यूपी के कन्नौज जिले में पुलिस की बर्बरता सामने आई है। दो जवान एक व्यक्ति को डंडे और लातों से हैवानियत की हद तक पीटते हुए नजर आए। पूरा विवाद एक चाय को लेकर शुरू हुआ था। दे डंडे, दे लात, नंगी पीठ के बल पड़ा ये शख्स प्रतिरोध की हालत में भी नजर नहीं आ रहा, पर शख्स की नंगी पीठ पर पुलिसकर्मी का डंडा और लात दोनों चल रही हैं। कहा यह जा रहा है कि ये कपड़े भी पुलिस वाले ने फाड़े। पिटाई के चलते ये शख्स बेहोश भी हो गया। उस वीडियो में जो पिटाई कर रहे हैं वो हमारा ही कांस्टेबल है, और उन दोनों कांस्टेबल के खिलाफ मैंने जांच आदेश किया है कि जो बल प्रयोग इन्होंने किया किया वो आवश्यक है, वो भी पब्लिक प्लेसेस में, तो उस संबंध में मैंने जांच इंक्वायर किया है और उनको लाइन भेजा गया है। पूरा मामला गुरसहायगंज कोतवाली इलाके का है। यहाँ चाय की दुकान पर चाय को लेकर कुछ विवाद हुआ। इस विवाद की सूचना प्रदेश की खनन राज्य मंत्री अर्चना पांडे के गनर ने दी। शायद यही वजह है कि पुलिसकर्मी गंभीर होने के साथ साथ हिंसक भी हो गए। वहाँ पे जो शराबी था वहीं पे तब भी तोड़फोड़ कर ही रहा था, उसको कंट्रोल करने की कोशिश की, वो अभद्र व्यवहार पुलिस के साथ किया है। उसमें पुलिस कांस्टेबल जो चीता मोबाइल पे थे उन लोगों ने बल प्रयोग किया है और उसको ले आके थाने पे बंद किए। उसके खिलाफ NCR भी वादी ने लिखा है। वीडियो के वायरल होने के बाद सिपाहियों को लाइन हाजिर कर जांच शुरू कर दी गई है। ये है ABP News, आपको रखे आगे।